तो देवी और सज्जन ने एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा। सो इस वीडियो में बात करने वाले तीन MIUI थीम्स के बारे में जिनको लगाने के बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल झिंगा लाला एकदम झकास होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। सो गाइस दिस इज VJ एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी थीम आप अप्लाई करेंगे उसके बाद अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट जरूर कीजिए, बिकॉज बहुत बार कुछ चेंजेस जो इफेक्ट में नहीं आते जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करते हैं। सो गाइस यहाँ पर जितनी भी थीम के बारे में बताने वाला हूँ वो आपको यहाँ पर थीम स्टोर में मिल जाएगी। सो वहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हैं एंड आपके सामने थीम होगी, उसे डाउनलोड करें। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट थीम है उसके बारे में बात करते हैं जिसका नाम है स्टॉक एंड्रॉइड पाई। मैं इसे जल्दी से अप्लाई कर देता हूँ, देखते हैं हमें क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो अप्लाई होने के बाद जैसे ही हम होम पे जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉलपेपर में कुछ ऐसे टेबल टेनिस पड़ा हुआ है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है डबल क्लिक। सो मतलब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर वॉलपेपर चेंज होंगे, जो कि एक अच्छी बात है। आपको यहाँ पर डिफरेंट वेराइटी ऑफ वॉलपेपर मिल जाता है, सो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसे रख सकते हैं। एंड इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन्स जो हैं चेंज हो गए हैं, राउंडेड शेप में आपको यहाँ पर आइकन्स देखने को मिलते हैं। एंड पर्सनली मुझे तो राउंडेड शेप ही पसंद है, बिकॉज जो स्क्वायर टाइप के आइकन होते हैं वो थोड़े ओल्ड फैशन लगते हैं। सो यहाँ पर आइकन्स आपको बहुत ही अच्छा मतलब देखने को मिल जाते हैं, थोड़े थोड़े बड़े देखने को मिलते हैं। एंड बात करें यहाँ पर नोटिफिकेशन बार की तो नोटिफिकेशन बार भी चेंज हो चुका है जैसे कि आप सब देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो जो इनेबल्ड है वो ब्लू कलर में दिखाई देने को मिलते हैं एंड इवन यहाँ पर आप स्लाइड करके दूसरे पेज में जा सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वोल्टी का आइकन डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है, नेटवर्क आइकन मिल जाता है एंड सामने आपको बैटरी का जो आइकन है वो भी चेंज हो चुका है। सो यहाँ पर बात करें कॉलर पेज के बारे में तो कॉलर पेज आपको कुछ इस तरह का दिख जाता है। यहाँ पर आप नंबर डायल वगैरह करके आपको थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट देखने को मिलता है, ब्लू एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एंड यहीं पर चलते हैं मैसेजिंग में तो मैसेजिंग भी आपको कुछ इस तरीके का देखने का मिलता है। एंड अभी हम बढ़ते हैं यहाँ पर सेटिंग्स की तरफ। सो नाउ यहाँ सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस में आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है। एंड इवन यहाँ पर आपको एक 3D इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे ही आप अपने मोबाइल को टिल्ट वगैरह करेंगे तो आपका जो पीछे का वॉलपेपर है वो भी टिल्ट होगा। सो यहाँ पर पता नहीं आपको दिख पा रहा होगा कि नहीं, बट यहाँ पर ये टिल्ट होता है, जब आप इसे पर्सनली यूज़ करेंगे तो आपको वो दिखेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नेविगेशन बार भी जो है चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पर इस ये जो लास्ट वाला ये दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर ये वर्क तो कर रहा है, बट आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पर नेविगेशन बार भी चेंज हो चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करें लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके का टिपिकल लुक देखने मिलता है, बीच में आपको यहाँ पर क्लॉक एंड सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड यहाँ पर बात करें इस सेटिंग्स की तो इस सेटिंग्स में देख लेते हैं क्या है। इस सेटिंग्स में आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पर टेक्स्ट साइज कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन की। एंड यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी आप अपने फ़ोन को रीबूट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो पिक्सल का बूट लोगो देखने को मिलता है। सो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट एनिमेशन भी चेंज हो चुका है इस थीम के साथ। आपको यहाँ पर पिक्सल का बूट एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल बात है। एंड बहुत सारे फ़ोन में ये अभी भी अवेलेबल नहीं है, सो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपके फ़ोन में इनेबल नहीं हो जाता है। अगर आपको इस थीम में ये जो नोटिफिकेशन बार है वो पसंद नहीं आया, या आपको आइकन्स पसंद नहीं आए, आपको कोई और चीज़ पसंद नहीं आई, तो आप उन चीज़ों को इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं एंड थीम की बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। सो उसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया कि कस्टमाइज़ कैसे करना है MIUI थीम को, आप उस वीडियो को यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके ज़रूर देखें। सो नाउ अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थीम की तरफ। सो गाइस यहाँ पर जो नेक्स्ट थीम है उसका नाम है वियतनाम। एंड होम स्क्रीन में आने के बाद जो पहली चीज़ ऑब्जर्व करेंगे वो ये होगा, जो यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्ट मिल रहा है और यहाँ पर जो क्लॉक का जो यहाँ पर लुक है वो चेंज हो चुका है। एंड ये जो दिखने में काफ़ी अभी मतलब अच्छा लग रहा है। एंड इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आइकन्स हैं वो भी सारे चेंज हो चुके हैं। एंड यहाँ वाले जो आइकन्स हैं इनके नीचे आपको थोड़ी सी शेडो दिख रही होगी उन्हीं आइकन्स की। सो ये दिखने में काफ़ी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं डिटेलिंग आपको काफ़ी अच्छी मतलब एक लुक जो है वो काफ़ी अच्छा देते हैं। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें नोटिफिकेशन बार की तो नोटिफिकेशन बार में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, स्क्वायर टाइप में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन बार मिल जाता है, जो इनेबल्ड है वो आपको ब्लू टाइप में मिल जाते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स का जो है पूरा लुक चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो डिफरेंट ऑप्शन है उसमें डिफरेंट आइकन्स देखने को मिलते हैं। एंड बात करें यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आइकन्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक करने के बाद आते हैं हम यहाँ पर लॉक स्क्रीन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन है वो पूरी तरीके से आपकी चेंज हो चुकी है। आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स एंड बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पर आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है, सो जैसे ही आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो यहाँ पर जो गाना है
वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्ले हो जाएगा गाना। एंड वेदर भी देखने को मिलता है यहाँ पर, आपको कंपास देखने को मिलता है, बैटरी परसेंटेज यहाँ पर, वेदर फोरकास्ट देखने को मिलता है, एंड इवन यहाँ पर आप वाईफाई डेटा के बीच में स्विच कर सकते हैं इजीली। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें टॉर्च भी तो यहाँ पर इनेबल हो जाता है। सो इवन यहाँ पर आपको एक गेम भी मिल जाती है जो आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन में खेल सकते हैं। आपके फ़ोन का पासवर्ड किसी को नहीं पता है, उसे गेम खेलना है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर गेम खेल के थोड़ा टाइम पास कर सकता है जैसे ही प्ले किया। एंड यहाँ पर आप ये फ्लैपी बर्ड वाला गेम खेल सकते हैं। सो ये एक अच्छी बात है कि मतलब अगर चोर को अगर आपका फ़ोन मिल गया तो वो टाइम पास करने के लिए गेम ज़रूर खेल सकता है। एंड इवन यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं जैसे आपके फेसबुक का, प्ले स्टोर का, कैलकुलेटर का, सिक्योरिटी का, कॉल लॉग, मैसेज वगैरह का, आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर बढ़ते हैं हम तीसरी और लास्ट थीम की तरफ। एंड यहाँ पर मैंने दो थीम सेलेक्ट किए तीसरी पोजीशन के लिए, एंड दोनों थीम मुझे पसंद आई है। एंड बहुत सारे लोग डार्क यूज़र होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उनको वाइट कलर पसंद आता है। सो दोनों के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। जो यहाँ पर पहली थीम है उन ऑप्शन में से वो है प्रो डार्क, एंड जो दूसरी थीम है वो है ऑक्सीजन ओएस की। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं ऑक्सीजन ओएस को, इसे हम जल्दी से अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका वॉलपेपर जो है वन प्लस सेवन प्रो का आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम बात करें नोटिशन बार की तो नोटिशन बार भी पूरा चेंज हो जाता है, बट यहाँ पर जो है व्हाइट कलर का आपको नोटिशन बार देखने को मिलता है। एंड देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये नोटिशन बार। एंड यहीं पर हम बात करें सेटिंग्स की तो सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की पूरी सेटिंग्स मेन्यू देखने को मिलती है। व्हाइट कलर का आपको यहाँ बैकग्राउंड देखने को मिलता है सेटिंग्स में। एंड आइकन जो डिफरेंट ऑप्शंस पे आइकन्स हैं उन पर भी आपको यहाँ पर अलग अलग आइकन देखने को मिलते हैं। सो बात करें यहाँ कॉल लॉक की तो आपको कुछ इस तरीके का कॉल लॉक देखने को मिलता है। एंड बात करें यहाँ पर मैसेजिंग ऐप की तो मैसेजिंग ऐप को आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। सो नाउ यहाँ पर बात करें लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन आपको वन प्लस सेवन प्रो जैसी लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि ठीक ठाक एक नॉर्मल लुक आपको दिखती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक नहीं है। अगर आप वन प्लस सेवन प्रो के जो ऑक्सीजन ओएस है उसके फैन है तो आप डेफिनेटली इस थीम को ट्राई कर सकते हैं। इवन यहाँ पर जो वॉल्यूम बार है वो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। बात करें आइकन्स की तो आइकन्स आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं, स्क्वायर टाइप में आपको यहाँ पर आइकन्स देखने को मिलते हैं। एंड काफ़ी जो थीम है नीट क्लीन एंड सिंपल थीम मैं इसे बोल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें आपको कस्टमाइज चीज़ें नहीं मिलती, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड क्लीन लुक वाली थीम ये आपको देखने को मिल जाती है। एंड इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेविगेशन बार है वो भी आपको कुछ इस तरीके का चेंज होकर मिल जाता है। जो दूसरा ऑप्शन मिल जाता है वो आपको मिलता है प्रो डार्क के नाम से। एंड होम स्क्रीन पे वॉलपेपर आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर खास देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक कुछ इस तरीके की देखने मिल जाती है। एंड साइड में आपको यहाँ पर वेदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको नोटिशन बार में बिल्कुल यहाँ पर डार्क लुक देखने को मिलता है। अगर आपको डार्क थीम्स पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएं तो सेटिंग्स भी आपको यहाँ पर डार्क देखने को मिलती है। यहाँ पर जो ऑप्शन है उनके साइड में जो उनका लोगो बना है वो भी आपको यहाँ पर डिफरेंट कलर में देखने को मिलता है जैसे आप सब देख सकते हैं। सो अगर आपको एक डार्क थीम पसंद है सो आप डेफिनेटली इस थीम को ट्राई कर सकते हैं। एंड इवन जब आप यहाँ सिस्टम अपडेट में जाते हैं तो यहाँ पर वन प्लस सेवन प्रो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो इसके अलावा बात करें यहाँ पर आइकन्स की तो आइकन्स आपको सिमिलर यहाँ पर स्क्वायर टाइप में आइकन्स देखने को मिलते हैं। सो बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन तो देख लेते हैं लॉक स्क्रीन में हमें क्या देखने को मिलता है। सो आपने देखा ये जो एनिमेशन आया आपको डिजिटल क्लॉक का वो आपको यहाँ पर नई चीज़ देखने को मिलती है। एंड वॉलपेपर आपको वही मतलब पुराना देखने को मिलता है। वॉलपेपर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं। सो आप इस थीम को भी इवेंट डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एंड बात करें यहाँ पर कॉल लॉक की तो कॉल लॉक भी आपको डार्क में देखने को मिलता है। बात करें मैसेजिंग ऐप की तो मैसेजिंग भी आपको यहाँ पर डार्क में देखने को मिलती है। एंड इवन यहाँ पर आपको बूट एनिमेशन कुछ डार्क में पिक्सल का देखने को मिलता है जो कि काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सा मस्त सा आपको यहाँ पर बूट एनिमेशन देखने को मिलता है। पर्सनली मुझे ये पसंद आया, वाइट वाले से ये मेरे को ज़्यादा पसंद लगता है। सो गाइस ये थी तीन मस्त एकदम झकास थीम, आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। ना आपकी कौन सी बेस्ट थीम है इन तीनों में से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। तो देवी और सज्जनों के साथ भूत खेल को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलता है ऐसे किसी नए गेम के साथ। बाबू इसका पगार कट रहे, ओवर एक्टिंग करता है ये काफी।